हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे साज टैबलेट के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे साज टैबलेट की संपूर्ण जानकारी, जिसमें जानेंगे इसकी मार्केट प्राइस क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसे किन किन बीमारियों में यूज किया जा सकता है, साथ में जानेंगे इसके डोज, साइड इफेक्ट्स और कुछ सावधानियों के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको साज टैबलेट की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। फ्रेंड्स, साज टैबलेट इपिका लैबोरेटरीज कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट सल्फासालाजिन है। इसे सल्फोनामाइड ग्रुप के अंदर रखा गया है। इसे एंटी रूमेटिक ड्रग भी बोला जाता है। यह 500 मिलीग्राम और 1000 मिलीग्राम, जिसे 1 ग्राम या डीएस बोला जाता है, डबल स्ट्रेंथ बोला जाता है, ये दो अलग अलग स्ट्रेंथ में जो है अवेलेबल है। और इसकी मार्केट प्राइस की बात करें तो साज 500 मिलीग्राम की जो टेबलेट है ये आपको 62 रुपये में मिल जाएगा। इसके अंदर एक स्ट्रिप में 10 टेबलेट आता है। और साज डीएस जो टेबलेट है, 1 ग्राम की जो टेबलेट है, ये आपको 145 रुपये में मिल जाएगा। इसके अंदर भी जो है एक स्ट्रिप में 10 टेबलेट ही आता है। और इसके यूज की बात करें तो इसका इस्तेमाल रूमेटाइड अर्थराइटिस में किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को आईबीडी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज नाम की बीमारी हो गया है, इसके अंतर्गत जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन्स डिजीज भी आ जाता है, तो इसको भी ठीक करने के लिए जो है साज टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंतर ये जो है आंतों की एक बीमारी होती है, जो बड़ी आंत और छोटी आंत में जो है लंबे समय के लिए सूजन और जलन होती है, तो उसको भी उस कंडीशन में भी जो है साज टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। जिस कारण से जो है दस्त आ सकती है, दस्त के साथ जो है ब्लड आ सकता है, पेट में दर्द और ऐठन बना रह सकता है, वेट लॉस हो सकता है, वजन कम होना या बुखार आना या मुंह में छाले होना, ये इसके सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, तो इसको भी ठीक करने के लिए जो है साज टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। सोराइटिक अर्थराइटिस में भी जो है इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सोराइसिस के साथ साथ जो है अर्थराइटिस के भी सिम्टम्स देखने को मिलता है, तो इसको भी ठीक करने के लिए जो है साज टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इंकाइलोजिंग स्पोंडिलाइटिस के इलाज में भी जो है साज टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, जो एक प्रकार के अर्थराइटिस है, जो रीढ़ या जो लॉन्ग बोन ज्वाइंट्स है उसको प्रभावित करता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए जो है साज टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। यह खास तौर पर पीठ के निचले हिस्से में शुरू होता है और बॉडी के अन्य भागों जैसे आपकी गर्दन या ज्वाइंट तक फैल सकता है और उसमें दर्द और सूजन रह सकता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए जो है साज टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और इसके डोज की बात करें तो एडल्ट में 1 ग्राम से लेकर 3 ग्राम जो है पर डे 2 या 3 डिवाइडेड डोज में दिया जा सकता है, यानी प्रतिदिन कम से कम 1 ग्राम दिया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा 3 ग्राम तक दिया जा सकता है, और इसे 2 या 3 डिवाइडेड डोज में ही देना है। ज्यादा से ज्यादा यानी मैक्सिमम जो डोज है यह 3 ग्राम प्रतिदिन दिया जा सकता है, इसे ज्यादा नहीं दिया जाता है। और बच्चों की बात करें तो बच्चों में 10 मिलीग्राम से लेकर 15 मिलीग्राम पर केजी वेट के अनुसार 2 या 3 डिवाइडेड डोज में दिया जा सकता है। इसे 2 साल से कम उम्र के बच्चों में नहीं दिया जाता है, यानी सल्फासालाजिन टेबलेट का इस्तेमाल कभी भी बच्चों में नहीं करना चाहिए। और इसे ज्यादा से ज्यादा 12 सप्ताह तक चलाया जा सकता है, या हो सकता है डॉक्टर जो है इससे अधिक दिनों तक भी चलाने को बोले, और इसे खाना खाने के बाद ही यूज करें। और इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, स्किन रेसेज हो सकता है, फीवर आ सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, भूख न लगना, चक्कर आना और स्पर्म की जो संख्या है, स्पर्म काउंट जो है वो भी कम हो जाना, ये इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये या इसके अलावा कुछ और भी साइड इफेक्ट्स देखने को मिलता है तो आप साज टेबलेट लेना बंद करें और अपने नजदीकी डॉक्टर से दिखाएं। और सावधानी की बात करें तो 2 साल से कम उम्र के बच्चों में जो है सल्फासालाजिन का यूज कभी भी नहीं किया जाता है। 2 साल से अधिक उम्र के बच्चों में जो है डोज कैलकुलेट करके दिया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को लीवर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, यूरिन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या स्किन एलर्जी है, तो उस कंडीशन में जो है उस व्यक्ति में इस टेबलेट का इस्तेमाल कभी भी नहीं किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को सल्फा ग्रुप की मेडिसिन से एलर्जी है तो उस कंडीशन में भी जो है इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में सेफ है, दिया जा सकता है, लेकिन देने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले। यदि किसी व्यक्ति को एस्पिरिन से एलर्जी हो तो उस कंडीशन में भी जो है साज टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अस्थमा के पेशेंट में जो है डॉक्टर की सलाह से सावधानी के साथ दिया जा सकता है। यदि कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उन्हें इस टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेना चाहिए। इस टैबलेट को लेने के बाद अल्कोहल का सेवन ना करें, यानी कोई व्यक्ति अल्कोहल का सेवन किए हैं उन्हें जो है इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। और जो है ड्राइविंग भी न करे, यानी ड्राइविंग न करे और हैवी मशीनों पर भी काम न करे। तो फ्रेंड्स, ये था साज टैबलेट की संपूर्ण जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और किसी के भी काम आ सके।